विश्व शांति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की यही गुहार, जंग नहीं न अत्याचार। महिलाएं बारूद से नफरत करती हैं, बारूद उजाड़ देती हैं। उनकी गोद युद्ध महिलाओं को जो आंसू देता है, लगातार धोने और पोंछने के बावजूद इन आंसुओं के निशान नहीं मिटते। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। यूक्रेन में विश्व युद्ध चल रहा है और आज सिरसा शहर में शांति मार्च निकाला जा रहा है ताकि युद्ध को समाप्त किया जाए। इस वक्त मैं तस्वीरें सिरसा के बाल भवन के पास ही दिखा रहा हूँ, जहाँ जो है विभिन्न संगठनों की तरफ से जो है आज शांति मार्च निकाला जा रहा है और अपील की जा रही है कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोका जाए। जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस लाया जाए, तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे। शांति मार्च है, तमाम बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज शांति मार्च है? हम यही चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। और जो हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन बच्चों को वापस लेकर आओ, और जो बच्चे यहाँ आ चुके हैं उनकी शिक्षा जो है वो दोबारा से शुरू की जाए, उन्हें अच्छी एक शिक्षा प्रोवाइड की जाए। जी धन्यवाद। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, शांति मार्च से आप जुड़े हुए हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। और जो बच्चे यूक्रेन से हैं उनके पढ़ाई भी, मतलब रेगुलर भी कुछ प्रयास करना चाहिए सरकार को। आज महिला दिवस भी है, महिलाओं का दिन है, उसके बावजूद आप शांति मार्च कर रहे हैं? देखो, युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है और शांति से ही सब कुछ होता है जी। वहीं कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज जो हम सड़कों पे हैं ये हमने संघर्षों से ही पाया है। हम एक नए संघर्ष में कूदे हैं कि दुनिया में शांति रहनी चाहिए, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी का जो हम हाल देख चुके हैं, तो हम नहीं चाहते कि दुनिया के हालात फिर से वैसे हो जाएं। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए। अगर निजीकरण नहीं होगा तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पर्याप्त मात्रा में खोले, ताकि हमारे बच्चों को देश से बाहर शिक्षा के लिए ना जाना पड़े। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हाँ, शिक्षा का निजीकरण बंद करके उसको सरकारी संस्थाओं को खोला जाए, ताकि बच्चों को इस तरीके की भयावह स्थितियों में फिर से ना फंसना पड़े, और विश्व शांति की ओर प्रयास किए जाएं, ये भी हमारी सरकार से मांगे। धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर एजुकेशन बहुत महंगी है, जिसके चलते जो है बच्चे यूक्रेन की तरफ रुख करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा का अगर निजीकरण बंद हो जाएगा तो अपने आप सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनमें फीस, सरकार हर बच्चे को शिक्षा और हर किसी को रोजगार दे, और अगर शिक्षा सस्ती होगी तो बच्चे इन देशों की ओर नहीं जाएंगे, इसलिए हम सस्ती शिक्षा की मांग करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से शांति मार्च निकाला जा रहा है, और लाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है निजीकरण बंद होना चाहिए और शिक्षा भी, जो बच्चे भारत से लौट रहे हैं उनकी जो है शिक्षा भी प्रॉपर चाहिए। फिलहाल ये शांति मार्च विभिन्न संगठनों की तरफ से निकाला जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देखते देखते शेयर जरूर कर दीजिए और कॉमेंट कर अपने राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।